हेलो माय डियर किड्स आई होप यू ऑल आर फाइन माइडिया इंग्लिश टॉपिक इज यूज़ ऑफ व्हाट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस सो माय डियर किड्स एज यू कैन सी हियर आर सम पिक्चर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं आप देखिए यहाँ पर एक एप्पल दिखाई देगा और आपको एक हैंड दिखाई देगा जो कि एप्पल की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है क्वेश्चन है वॉट इज दिस यह क्या है सो वी विल राइट लाइक दिस दिस इज़ एन एप्पल सो so, किड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने वॉट का यूज क्वेश्चन पूछने के लिए किया है अब हम आंसर को राइट डाउन करेंगे दिस इज एन एप्पल ए डबल पी एल ई एप्पल क्वेश्चन पूछा गया था वॉट इज दिस यह क्या है दिस इज एन एप्पल यह एक एप्पल है नेक्स्ट देखिए मैं ये यहाँ पर आपको एक दिखाई देगी और हैंड जो कि पॉइंट आउट कर रहा है, है की तरफ क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज दैट वह क्या है आंसर होगा दैट इज अ हैट वह एक हैट है सो वी विल राइट लाइक दिस टी एच ए टी दैट इज अ हैट यहाँ पर भी हमने वर्ट का यूज क्वेश्चन पूछने के लिए किया था वॉट इज दैट दैट इज हैट अब देखिए देखिये माइडी आपको एक बटरफ्लाई दिखाई देगी और यहाँ पर एक हैंड दिखाई देगा जो कि इसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है वॉट इज दिस क्या है दिस इज अ बटरफ्लाई अब देखिए यहाँ पर भी वॉट का यूज हमने क्वेश्चन पूछने के लिए किया है दिस इज अ बटरफ्लाई बी यू डबल टी ई आर एफ एल वाई वॉट इज दिस बटरफ्लाई यह क्या है यह एक बटरफ्लाई है अब देखिए मेडिकेगा जो कि इसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है और क्वेश्चन पूछा गया है वॉट इज दैट वह क्या है आंसर होगा दैट इज अइट वह एक काइट है यहाँ पर भी हमने वॉट का यूज क्वेश्चन पूछने के लिए किया है दैट टी एच ए टी दैट दैट इज काइट के आई टी ई काइट नाउडी किट्स आप देखिए आपको यहाँ पर एक मग दिखाई देगा और एक हैंड जो कि उसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है क्वेश्चन है वॉट इज दिस यह क्या है दिस इज मग यह एक मग है तो हम यहाँ पर लिखेंगे टी एच आई एस दिस इज अ mug m u g mug this is a mug यह एक मग है यहाँ पर भी हमने वॉट का यूज क्वेश्चन पूछने के लिए किया है वॉट इज दिस दिस इज अ मग सो माई डियर किड्स आई होप यूज ऑफ वॉट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज क्लियर टू यू वी विल सून मीट विद एन न्यू टॉपिक स्टे सेफ स्टे हेल्दी एंड डू प्रैक्टिस इट एट योर होम